ये तस्वीरें देखकर आप भी हक्के बक्के रह गए होंगे। ठीक ऐसे ही जब महुआ से बीजेपी विधायक राजेंद्र मीना जब दौसा के एक स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो भौचक्के रह गए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई की जगह बच्चे झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। और तो और जब विधायक साहब ने बच्चों से सवाल पूछा कि कौन है राष्ट्रपति तो बच्चे जवाब तक नहीं दे पाए, जिसके बाद विधायक साहब ने जमकर शिक्षकों को लताड़ लगाई। और तो और जब विधायक साहब ने 8वीं-7वीं क्लास के बच्चों से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री का नाम पूछा तो बच्चे ठीक से बता भी नहीं पाए, जिसको देख विधायक जी काफी निराश हुए और फटकार लगाते हुए कहा जब 8वीं के बच्चों को देश के राष्ट्रपति राजस्थान शिक्षा मंत्री का नाम ही नहीं पता तो आप बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। वे आधा दर्जन विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया है और अभी भी मैं करीब घंटे डेढ़ घंटे तक आगे भी मंडा और बेल्ट में भी जाऊंगा और निश्चित रूप से जो मुझे उम्मीद थी उन उम्मीदों से विपरीत मेरे को मिला है। शिक्षा का ढांचा पूरी तरह खराब है, इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती कि छात्र देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता सकें, राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सकें, बल्कि मुख्यमंत्री का नाम तक पता नहीं है विद्यार्थियों को। तो निश्चित रूप से शिक्षा का ढांचा बड़ा खराब है। अब मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि शिक्षा का स्तर किस प्रकार से ऊंचा हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सारे अधिकारियों को बैठक लेके और शिक्षा का जो ढांचा पिछले 10 वर्षों में खराब हुआ है उस ढांचे को मैं पूरी तरह दुरुस्त करूंगा और अच्छी एजुकेशन हो। मेरे को ये भी जानकारी मिली है कि मैं जिस जिस विद्यालय में गया हूँ वहाँ पर विद्यार्थी झाड़ू लगाते हुए मुझे मिले हैं, कि बहुत बड़ी विडंबना है। ये नहीं होना चाहिए, जब सरकार हमको सारी सुविधाएं दे रही है उसके बावजूद भी बच्चे विद्यालय में झाड़ू लगा रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। ये मैं सारी बातों को लेकर शिक्षा मंत्री से बात करूंगा और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री ने तय कर रखा है कि शिक्षा को कैसे हमको आगे बढ़ाना है और उसको कैसे उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। माननीय मदन दिलावर जी बहुत मजबूत और सशक्त शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने ये तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा और जो शिक्षा का ढांचा है उसको और अत्यधिक मजबूत कैसे हो, उन सब पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। और मैं भी आपको चैनल के माध्यम से मैं सारे अध्यापकों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो ढांचा बिल्कुल चरमरा रखा है आप लोगों ने उसको दुरुस्त करें और आगे हम इसको और व्यवस्थाओं को अच्छे से करने का पूरा प्रयास करें। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि राजेंद्र मीना आखिरकार है कौन। पूर्व प्रधान रहे राजेंद्र मीना मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना और गोलमा देवी के भतीजे हैं। बीते 5 सालों में पार्टी के कार्यक्रम में सभी गतिविधियों में भागीदारी निभाने वाले राजेंद्र मीना को युवा चेहरे के रूप में तरजीह मिली है। 2023 के विधानसभा चुनावों में राजेंद्र मीना को बीजेपी ने फिर से मैदान में उतारा था और उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा से हुआ। आपको बता दें कि राजेंद्र मीना बीते 15 वर्षों से स्थानीय राजनीति में काफी सक्रिय हैं।